you. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ शिखा सिंह, आप देख रहे हैं शिप्रा न्यूज। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में टैलेंट वर्क 2018 सीजन फर्स्ट के डायरेक्टर और को डायरेक्टर मौजूद हैं, त्रिलोक सिंह जी और सुजाता सिंह जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शिप्रा न्यूज में। थैंक यू। तो आइए हम इनसे ही जानते हैं कि टैलेंट वर्क 2018 आखिर है क्या। सबसे पहले त्रिलोक सिंह जी, आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि टैलेंट वर्क 2018 है क्या। मेरा नाम त्रिलोक सिंह है और टैलेंट वॉर को मैं हेड कर रहा हूँ। और टैलेंट वॉर 2018 सीजन 1, ये हमारा पहला सीजन है जिसे हमने स्टार्ट किया है धनबाद से। इसमें हमने मॉडलिंग और डांसिंग वर्कशॉप कराएंगे, जिसमें हमारे वर्कशॉप लेने के लिए मॉडलिंग में मिस इंडिया एलीट 2018 स्वाति कोठारी जी आ रही हैं, जो कि बच्चों को पर्सनली मॉडलिंग में वर्कशॉप देंगी, उनको अपने मॉडलिंग के गुण सिखाएंगी। और इसके अलावा बॉलीवुड एंड टॉलीवुड कोरियोग्राफर DID फेम छोटू लोहार सर आ रहे हैं, जो कि बच्चों को डांसिंग के बारे में सिखाएंगे, जो कि वर्कशॉप 3-6 अक्टूबर को हो रहा है, जो कि डांसिंग वर्कशॉप 3-5 अक्टूबर को उजुन प्लाजा में होगा और इसका प्रेजेंटेशन डे बिग बाजार में होगा। ये किनके अंडर में किया जा रहा है, इसके जो बैनर है वो किनका है एंड स्पॉन्सर्स के बारे में कुछ बता दीजिए। टैलेंट फॉर 2018 है, ये मेरा बिजनेस एंड अमेजिंग स्टेप्स के बैनर के अंडर में हो रहा है। अमेजिंग स्टेप्स के बारे में आपको सुजाता सिंह बताएंगी। जी सुजाता सिंह जी, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आखिर ये अमेजिंग स्टेप, मेरा बिजनेस एंड अमेजिंग स्टेप्स है क्या। मैं सुजाता सिंह, मैं आपको बताने जा रही हूँ अमेजिंग स्टेप्स क्या है। अमेजिंग स्टेप एक डांस इंस्टीट्यूट है और मैं एक डांस कोरियोग्राफर हूँ और मैं कोरियोग्राफी करती हूँ। मेरे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स चलते हैं अमेजिंग स्टेप्स के नेम से। मैं और त्रिलोक सिंह दोनों मिलकर ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, मैं इनके साथ वर्क कर रही हूँ और हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो इनके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आखिर आप लोगों ने धनबाद से इस टैलेंट वॉर की शुरुआत की है, क्या सोच लेकर के आप ये इस टैलेंट वॉर को शुरू करने जा रहे हैं। बिकॉज धनबाद में टैलेंट सबके पास है बट एक जगह नहीं है कि उनको हम लोग प्रेजेंट करें, तो एक बच्चों को जगह दे रहे हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दूसरे इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। तो मैं चाहती हूँ छोटू लोहार जो कि DID सीजन 2 के फेम रहे हैं और वो टॉलीवुड कोरियोग्राफर हैं, तो हम लोग का ये थॉट था कि उनको बुलाएं और उनके थ्रू हम लोग अच्छे से कोरियोग्राफी बच्चों तक जा पाए। उसके थ्रू यदि हो सकते हैं छोटू लोहार की नज़र में यदि अच्छे बच्चे दिखें तो यहाँ से आगे बढ़ने का चांस मिल सकता है। त्रिलोक सिंह जी, ये बताइए कि बच्चों को अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे है कि मॉडलिंग में मैं आता हूँ, तो मॉडलिंग में स्वाति कोठारी मैम जो आ रही हैं, स्वाति कोठारी जी खुद मिस इंडिया एलीट 2018 रह चुकी हैं, तो वो अपने पर्सनली ट्रेन करेंगी, तो उस पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो सीखने को बच्चों को मिलेगा। अभी धनबाद में रह के लोगों को बाहर की चीज़ें सीखने को मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमने ये सोचा कि यहाँ के बच्चों को भी कुछ नया दिया जाए, इसलिए हमने अभी मिस इंडिया इलेक्ट 2018 स्वाति कोठारी जी को धनबाद में लेके आ रहे हैं। इसके अलावा डांसिंग के गुण के लिए छोटू लोहार सर आ रहे हैं, जो पर्सनली अभी अल्लू अर्जुन के मूवी भी कोरियोग्राफ कर चुके हैं एंड वो बॉलीवुड टॉलीवुड कोरियोग्राफर भी हैं। तो बच्चों को वो टैलेंट जो मुंबई में मिलता है वो धनबाद में मिले, इसलिए हमने ये चीज़ को धनबाद में ऑर्गेनाइज किया है। और ये जो बैनर है जिसके अंडर मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस में जो स्पॉन्सर इसके और इसके अलावा स्पॉन्सर आर लॉन्च है, वॉकी टॉकी है एंड ताजगी टी है, हमारे कोवर्ट में अमेजिंग स्टेप्स हैं, इसके अलावा ओम जिम है एंड अपोलो जिम है, ये सारे हमारे स्पॉन्सर हैं। शी लाइन एंड दिवास जो कि फैशन ब्रांड है, ये भी हमारे स्पॉन्सर हैं। इन्होंने सबने मिलके हमारा सपोर्ट किया है इसको ऑर्गेनाइज करने का और एक अच्छे स्टार को धनबाद में लाने के लिए सपोर्ट किया है, जो कि हम चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट टैलेंट, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें धनबाद के लोगों को मिल पाए, ये सोच लेके हम ये चीज़ को धनबाद में आके टैलेंट वॉर की शुरुआत की है। तो अभी स्टार्टिंग में आप लोग धनबाद से इसको शुरू कर रहे हो और फ्यूचर में आप लोगों ने इसके और जो सीजन्स वो कहाँ पे रखे हैं। इसके बाद हमारा प्लानिंग पुरेलिया में है, देन फिर बोकारो, उसके बाद हमारा प्लान रांची एंड वेस्ट बंगाल में अदर सिटीज में भी है, हमारे लाइक दुर्गापुर एंड आसनसोल में। सुजाता जी, ये बताइए कि इसके डेट्स क्या क्या है और कहाँ पे ये होने वाला है।
इनके डेट्स 3, 4, 5 ओजन प्लाजा में और प्रेजेंटेशन 6 को बिग बाजार में। जी, तो आप हमारे व्यूअर्स को और क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? ये हाँ, व्यूअर्स को ये कहना चाहेंगे प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए हमारे साथ, जिनको मॉडलिंग करना है, जिनको डांसिंग करना है, हमारे साथ कॉन्टेक्ट करें और प्लीज कम एंड डू दिस वर्क। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और मिलेंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे कलाकारों से जिन्होंने अपने टैलेंट को और निखारा है। तो फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सभी का स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ जुड़ेंगे एक छोटी कलाकार और जिनका नाम है मुस्कान गुप्ता, और साथ ही हमारे साथ इस शो के सपोर्टिंग डायरेक्टर हैं मनेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मनेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि ये जो टैलेंट वो 2018 जो आप धनबाद से कर रहे हैं, इसकी खूबी क्या है? खूबी यही है कि लोगों का जैसे धनबाद में मॉडलिंग और डांसिंग होता नहीं है आमतौर पर, इसकी शुरुआत भी मूलवर्क से ही हुई थी। और बेसिकली इसको हम लोग इसलिए करते हैं कि लोगों का शौक पूरा हो सके, जिससे लोगों को बहुत इच्छा होती है करने की, लेकिन उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता धनबाद में, इसके वजह से हम लोग करवाते हैं डांसिंग और मॉडलिंग। जी, तो इनके डेट्स कब से कब तक हैं और कहाँ पे होंगे? इनके डेट है 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर तक आपका ओजन प्लाजा बैंक मोड, और 6 तारीख को होगा आपका बिग बाजार में। इस टैलेंट वॉर शो में कौन आ रहे हैं, मतलब बच्चों को या फिर जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए? बच्चों को वर्कशॉप देने के लिए आ रहे हैं बॉलीवुड के कोरियोग्राफर, बॉलीवुड टॉलीवुड के कोरियोग्राफर छोटू लोहार, DID टॉप 8 में सीजन 2 में रह चुके हैं और ABCD मूवी के एक्टर भी हैं। और मॉडलिंग के लिए आ रही हैं स्वाति कोठारी, मिस इंडिया इलाइट। जी, और हमारे साथ मुस्कान गुप्ता हैं। आप कितने साल की हो ये बताओ? मैं 7 इयर्स की हो। और क्या करते हो आप अभी, पढ़ाई करते हो? Yes. तो आपको डांस करना पसंद है? Yes. इससे पहले आपने कहीं डांस किया था ना? Yes. आपने कैसा डांस किया था और कहाँ पे डांस किया था बता दो जरा। मैं काला हीरा में डांस की थी। काला हीरा में। और आपको डांस करना क्यों पसंद है, क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में? मैं फ्यूचर में डांसर बनना चाहती हूँ। डांसर किसकी तरह? सुजाता मैम की तरह। तो देखा आपने कि बच्चे भी इस शो को लेकर के काफी उत्साहित हैं और इस शो के जो सपोर्टिंग डायरेक्टर सुजाता सिंह जी है, बच्चे उनकी तरह बनना चाहते हैं। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मिलेंगे कुछ और बच्चों से।
फितूर है, नशे में दिल तेरे चूरे है। तो देर किस बात की, जल्द भरें रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने स्कूल या करें हमसे संपर्क। के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ और छोटे छोटे बच्चे जुड़ेंगे, तो हमारे साथ अभी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है स्पर्श गुप्ता जो कि 5 साल की हैं, और साथ में इसिका राज जो कि 8 साल की हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो बच्चे डांस में इतनी रुचि क्यों दिखाते हैं और फ्यूचर में ये क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले स्पर्श ये बताओ कि आप कितने साल की हो? मैं 5 इयर्स की। 5 इयर्स की हो और आप डांस करते हो? डांस सीखते हो आप? कब से सीख रही हो आप डांस? मैं 3 इयर्स से सीख रही हूँ। 3 इयर्स से सीख रही हो। कौन सा डांस फॉर्म सीखती हो आप? मैं डांस फॉर्म ये 5 इयर्स से सीखती हूँ। अच्छा ये बताओ आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आप डांस सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो? मैं बड़े होकर एक डांसर बनना चाहती हूँ। डांसर बनना चाहते हो? और इशिका आप बताइए कि आप कितने साल की है? 8 इयर्स की। आप कब से डांस सीख रही हैं? 5 इयर्स से आप डांस सीख रही हैं, यानी जो आप 3 साल की थी। आप कोई डांस फॉर्म सीख रही हो या फिर ऐसे ही कोई भी बॉलीवुड कोई भी? ये बताओ आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? मैं डांसर बनना चाहती हूँ और सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। हेल्प किस लिए, मतलब किस चीज में हेल्प करना चाहती हैं आप, किस तरह से? आप कहाँ रहती हैं और कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? मैं केवी नंबर 1 में पढ़ती हूँ और हीरापुर से। इस पर आप कहाँ पढ़ती हैं, किस स्कूल में? मैं कार्मल स्कूल में पढ़ती हूँ। कार्मल स्कूल में, कौन से क्लास में? 1B। तो देखा आपने कि हमारे साथ जो स्पर्श और इशिका थी उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में डांस सीखा, तो शायद ये जो टैलेंट वॉर है ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है और जिससे वो जहाँ बच्चे वर्कशॉप करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।